ऑल राइट, तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ तुम सभी लोग मस्त मगन एकदम झकोंगे। तो आज आप लोग देख सकते हो हमारे हाईवे पर इतनी भीड़ है, तो भीड़ का अंदाजा लगा कि आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पर कौन आने वाला। तो हमारे अंता में आज पहली बार विराजमान होने जा रहे हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं। तो भाई हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें इनको देखने का मौका मिला, और इनका लगभग आने का समय 9 से 10 बजे के बीच बताया गया था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो लगभग 1 या 2 बजे के बीच में पहुंचे, क्योंकि कोटा में भी उनका रोड शो था और हमारे अंता में भी रोड शो था। तो उनके स्वागत के लिए हमारे पूरे अंता के एकदम तहलका मचा दिया था स्वागत के लिए। तो स्वागत बहुत ही तगड़ा और से होने वाला है, जो कि आप इस वीडियो के अंतर्गत देखने जा रहे हो। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया सब। बहुत दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ भाई, कसम से काफी टाइम हो गया ना हम लोग व्लॉग किए हुए। भाई क्या करूँ यार, कोई टॉपिक ही नहीं मिलता तो समझ में नहीं आता। मैं अपनी डेली लाइफ तुम लोगों को दिखाना नहीं चाहता, दरअसल बोरिंग लगता है मेरे को डेली लाइफ दिखाना। कोई कंटेंट मिले तो ब्लॉग बनाने में मजा आता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारे अंता जिला में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो आने वाले। भाई वेरी प्राउड मोमेंट है ये कि भाई हमारे 12 राजस्थान में, मतलब 12 जिले के अंदर, मतलब वो आ रहे हैं। भाई साहब, कभी कोई ने सोचा भी नहीं होगा कि वो आ रहे हैं, और वो बुलाए जा रहे हैं जो कि आनंद गर्ग जी हैं, उनके द्वारा बुलाए गए हैं, जो अभी इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। तो उनके द्वारा वो बुलाए गए हैं, और भाई सब काफ़ी रश होने वाला है। यहाँ अंता में तो फिर भी इतना रश नहीं होगा, 12 में भयंकर रश है। वहाँ पे भाई वहाँ कलश यात्रा निकली थी, 500 या 1000 ऐसे लगभग, मुझे कन्फर्म पता नहीं है। भाई लपक के भीड़ थी वहाँ। तो आज यहाँ भाई बागेश्वर वाले धाम वाले बाबा आएंगे, और 9 बजे का बोला है, तो 9 बजे शायद कोटा से निकलेंगे। कोटा से निकलते हैं शायद 11-12 बज जाएगी, जितना भी बज जाएगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और भाई साहब, बजरंगबली के भक्त हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और देखता हूँ कब आते हैं, तब तक मैं नहा धो लेता हूँ, तैयार हो देता हूँ। बागेश्वर धाम वाले बाबा से मिलने तो बाद में जाएंगे भैया, पहले इधर घर का काम करो, पोछो अच्छा लगाओ। ये अपनी ड्यूटी है गाइस, सरकारी नौकरी है मेरी, इससे मैं कमा लेता हूँ महीने के 7-8 हज़ार रुपये के रुपये से। तो आप भी कमा सकते हो, घर का काम करोगे। हाँ तो भाई, ना दो एकदम से तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं अपन, यहाँ से निकलते हैं मार्केट की ओर, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितनी पब्लिक वहाँ पे आ रही कितनी नहीं, चलो देखते हैं जाके। और इधर दुकान वगैरह पहले मैं बढ़ा देता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्योंकि आज घर पे कोई है भी नहीं, तो मम्मी तो संभाल नहीं पाएगी, तो उसको बंद करता हूँ, और मार्केट का मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। तो चलो सीधा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे जगह चीज़ वाली रोड है, मतलब यहाँ पे बस वगैरह, बस स्टैंड वगैरह है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है लोगों ने, जो कि आप लोग खुद स्वयं देख सकते हो। श्री आनंद जी घर द्वारा ये बुलाए गए हैं, जो कि हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, और DJ भाई एक से एक यहाँ पर सारी जगह पर लगे हैं, और डेकोरेशन तो भाई बहुत तगड़ा हो रहा है। इससे पहले शायद ही ऐसा डेकोरेशन देखने को मिल रहा है हमारे अंता में। और भाई साहब, तुम लोग जगह जगह देख सकते हो पोस्टर, बैनर, लोग देखो तुम कितने सारे हो रहे हैं। अभी तो फिलहाल 9:30 बजे हैं, उसके पहले इतने लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं, जब वो आएंगे तो काफ़ी भीड़ हो जाएंगी। और तुम लोग खुद देख सकते हो भाई, जगह जगह मतलब बैनर लगाए गए हैं भाई साहब, बहुत तगड़ा, मतलब ये ऐसा सीन शायद ही एक ही बार देखने को मिल रहा है ये, और बहुत ही लकी हैं शायद हम लोग जो हमें देखने को ये सुनहरा मौका मिला। और जो कि तुम लोग पहले देख सकते हो, लोग आगे आगे तक पहले इकट्ठा हो चुके हैं, ताकि वो सबसे पहले दर्शन करें। मतलब लोगों ने एकदम भीड़ का खतरनाक माहौल बना दिया है, स्वागत के लिए सब ने अलग अलग जगह टेंट लगा रखे हैं, और यहाँ से ट्रैफिक अभी गुजर रहे हैं, कुछ ही देर बाद ट्रैफिक भी यहाँ से बंद कर दिए जाएंगे। और तुम लोग देखो भाई, यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ जमा हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली, क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर बहुत बड़ा। और यहाँ मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज, और धूप काफ़ी लपक के थी भाई, दबा के, तो परेशानी थोड़ी आ रही थी। और तुम लोग पुलिस सेफ्टी भी देख सकते हो, पुलिस सेफ्टी काफ़ी सारी आई है, ताकि उनको कोई हानि ना पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने वाली है। और लोगों को ठंडाई के लिए यहाँ पर भाई ट्रैक्टर से फुहारे चला रहे हैं, इसमें इत्र वगैरह डाल डुला के। और भाई आगे देखो, आतिशबाजी हो रही जो, जा रहे हैं हाईवे की ओर, क्योंकि हाईवे पे भी काफी सारी भीड़ हो रही है, क्योंकि पब्लिक चाहती है कि सबसे पहले हम देखें। तो हाईवे की ओर निकल रहे हैं अभी, हाईवे पे भी बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत भयंकर। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को हाईवे का नजारा भी। भाई साहब, यहाँ भी खतरनाक भीड़ हो रही है, तुम लोग देखो भाई, लपक के रख, मतलब भाई अंता की धरती पे पहली बार होने जा रहा है ये ऐसा कार्यक्रम। डीजे आगे रास्ता बंद कर रखा है इन लोगों ने।
बाबा को देख नहीं करतार में, ये हमारे बेरोजगार दोस्त हमारे साथ शामिल बैठे हैं बेचारे, कब बाबा आएंगे, कब हमें दर्शन देंगे? क्यों जी सर, ये टकला लेके मत बैठे, बाबा आने वाले हैं अभी कुछ ही देर में, बेरोजगारों की तरह बैठे हम। भाई साहब धूप इतनी भयंकर हो रही है, पूछो मत, खतरनाक। और अभी तक वो हमारे बाबा जो कि आए नहीं है, अभी मतलब आने ही वाले, कोटा से रवाना हो चुके हैं। भाई कोटा में इतना रश था भाई, खतरनाक लेवल का रश था भाई। तुम लोगों को कोटा की वीडियो भी मैं एक आध जो मैं मेरे दोस्तों से मंगवा के दिखा दूँ आप लोगों को। भाई कोटा में देखना, तुम हेलीकॉप्टर से जब आए थे ना, बहुत भीड़ थी। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्तों को बुलाया क्योंकि वो सिमलिया क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को बाबा के दर्शन जरूर कराएंगे। फटाफट करो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब गाइस, चलो फटाफट। आप लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म होती है, ये लोग कर लो हमारे बाबा के दर्शन एकदम लाइव। यहाँ से दर्शन करके भाई मेरा दिल नहीं भरा था क्योंकि मैं इनको नज़दीक से नहीं देख पाया था। तो भाई मुझे कोशिश करनी होगी कि मैं आगे जाऊँ और कैसे करके थोड़ा नज़दीक से शूट करूँ और आप लोगों को बताऊँ। तो चले आगे चलते हैं क्योंकि बहुत आगे मुश्किल हम लोगों को आने वाले की भीड़ बहुत ज़्यादा है, गाड़ी मुझे कैसे कैसे निकालनी पड़ेगी। पर मैं आप लोगों के लिए करूँगा तो फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दो जय बाबा बागेश्वर धाम की जय। फिर इसके बाद भी मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बहुत नज़दीक से देखूं, बहुत नज़दीक से शूट करूं, बट उसके पहले बाबा आगे निकल चुके थे। यहाँ मैं थोड़ी हार मानने वाला था पर तुम्हें तो पता है मैं ज़िद्दी कितना हूँ। तो भाई मैंने ठान लिया था कि मुझे किसी भी हालत में मिलना है, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत फुटेज तो लेनी है पास से। तो मैंने कोशिश की, फिर मैंने कार में थोड़ी सी फुटेज ली और फिर मैं यहाँ से चल निकला भाग के सीधा। और फिर अचानक से मुझे एक अपने सब्सक्राइबर भाई मिले, तो भाई उसने मुझे एक बाइक पर बिठाया। बट जो कि भाई ये भीड़ देखकर भी मैंने थोड़ा सा फिर हार माना कि यार मुश्किल है, अब तो शायद इसे ही होगा जो होगा। बट फिर भी मैंने भाई हार्ड दिल से तो नहीं मानी और मैं निकल गया कि भाई इस बार तो मुझे किसी भी हालत में थोड़ा सा पास जाके और आराम से तुम लोगों को थोड़ी सी फुटेज तो मैं दिखाऊं। तो मैंने थोड़ी सी फुटेज दिखाने के लिए कोशिश की और जल्दी मैं आप लोगों को थोड़ी सी फुटेज दिखाने वाला हूं। और भाई थोड़ा सा कांच उन लोगों ने बंद कर रखे थे गाड़ी के, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने जब शूट किया था तो भाई उन्होंने मुझे कांच में से शायद देख लिया था और शायद से मेरी तरफ थोड़ा सा देखा भी था। और आप लोग को भी मैं पास से दर्शन करा के रहूँगा किसी भी हालत में क्योंकि इतनी मेहनत की है, तो भाई दिखाऊँगा ऐसे ही। और जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ था वो मैं तुम्हें घर जाके बताऊँगा भाई क्या हालत हो गई थी मेरे साथ, बड़ा हादसा टल चुका था। और तुम लोग देख लो अंत में भी जेसीबी से भाई साहब इधर स्वागत किया जा रहा था और भाई जेसीबी ने पूरा रास्ता एकदम बंद कर रखा था, निकलने में बहुत दिक्कत होती। बट यहाँ से मैंने बाइक उतर कर मैं भागना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब भागो, अब शायद से हम लोग थोड़ा पास से शूट ले सकते थे। बट फिर भाई यहाँ पे मेरे साथ रोड़े हो गए क्योंकि भाई यहाँ बीच बीच में कार आ रही थी, तो मैं भी इन लोगों के साथ भागा चला गया जितना हो सका मैं भागा। फिर यहाँ जाके हमें दर्शन हुए जो कि आप लोग खुद थे 12 की ओर। तो 12 तो मैं नहीं जा पाया बट कुछ क्लिप है मेरे पास जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 12 की। बहुत भीड़ है वहाँ, ये देखो भाई तुम लोग 12 की भीड़, खतरनाक भीड़ है भाई। और
वीडियो में भाग दौड़ करते करते भाई मेरा पजामा फट गया है यहाँ से, नया का नया पजामा खत्म फ्री भाई साहब। हालत देख रहे हो मेरी, मतलब भाई पूरा गच हो रहा हूँ, भाग भाग के गया भाई शूट को निकली कसम से तुम लोगों को दिखाने के लिए भाई साहब। जहाँ भाई साहब दिमाग खराब हो गया कसम से, इतनी भीड़ इतना रश था अंता में, इससे पहले इतना रश मैंने कहीं नहीं देखा हमारे गांव में अंता में। हमारे अंता के लोगों के लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है जो कि बागेश्वर वाले बाबा खुद यहाँ पर स्वयं चल के आए, ना कि इनके पास जाने की जरूरत पड़ी, ना कि तो भाई नहीं तो लोगों को जाना पड़ता है इनके पास। वी आर वेरी लकी गाइस, वी आर वेरी लकी। और भाई बहुत पॉसिबल हुआ जितना मैंने शूट किया, और मेरे कुछ दोस्तों से मैंने क्लिप लिए क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं था, इतनी रश थी भयंकर। बाय द वे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और आप लोग चाहते हो कि मैं 12 भी जाके शूट करूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 12 भी जाऊँ कतना में और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँ, वहाँ की जनसंख्या भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ कितनी है कितनी नहीं है। तो आई होप आप इस वीडियो से मज़ा आ गया होगा। तो जय बागेश्वर धाम की लिख दो कमेंट में, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय श्री बागेश्वर धाम की जय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।